चुमा लेके मन मनाल गोर गलिया ओठ लाल मिली खाके दवाई बढ़ाव तानी साइज अगला अगला साल मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। दोस्तों बता दें, भोजपुरी एक तरफ अच्छाई की ओर जाता है तो दूसरे तरफ ऐसे ऐसे गाने भोजपुरी में आते हैं जिनको आप सुन नहीं सकते हैं। जी हम बात करेंगे एक वैसे ही राइटर के बारे में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज तक अच्छा गाना ही नहीं लिखे हैं। जितना भोजपुरी का घटिया गाना होता है सब यही लिखते हैं। पीके आर्यन जी, क्या ये सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, हम बढ़िया भी लिखते हैं और हम भाई दुकान है तो हम जो पब्लिक मांगेगी हमको देना है। अगर हम अच्छा लिखते हैं, अच्छा सुनते हैं लोग तो अच्छा लिखते हैं, पूरा सुनते हैं पूरा लिखते हैं। अभी बताइए आप, क्या मतलब क्या आपको लगा कि हम कैसे लगा कि हम मतलब गलत ही लिखते हैं? अच्छा, ये जो गाना का वर्ड है पहले आप ही सुनाइए गा के, फिर हम बोलेंगे आपको अगला अगला साल का। जो पूरा गाना सुनाइए, थोड़ा पूरा नहीं, जो पंच लाइन सुनाइए, आप ही लिखे हैं सुनाइए। हाँ, कि चुमा लेके मन मनाल गोर गलिया ओठ लाल मिली खाके दवाई बढ़ाव तानी साइज अगला अगला साल मिली। अच्छा, ये गाना बढ़िया है, खाके दवाई बढ़ाव तानी साइज। हाँ, क्या हाँ, है बहुत सारा चीज है। देखिएगा तब, पूरा गाना सुनिएगा उसके बाद ना। मतलब इसमें किस चीज का साइज बढ़ाने का बात हो रहा है? बहुत सारा चीज है, पूरा गाना सुनिएगा आपको खुद समझ में आएगा किस बारे में हम बात की। अच्छा, तो गाना का पूरा सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए, ऐसा ही ऐसा गाना पीके ही आर्यन क्यों लिखते हैं? देवरा ढोरी चटना हो गया, तमाम सारे इस तरह के गाने ही आपके जितने गाने होते हैं सब डबल मीनिंग होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है डबल मीनिंग होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखे हैं, उस साल में बैठे थोड़ी थे, बहुत अच्छा अच्छा गाना लिखे हैं। अच्छा, तो कहाँ मतलब कहाँ आप लोग आए कि अच्छा गाना लिखे हैं? पीके आर्यन तो चलते हैं प्रमोशन करते हैं। अच्छा गाना तो प्रमोशन का, प्रमोशन की बात नहीं, अच्छा गाना तो आप जब लिखते हैं तो सब लोग सुनता है, सब कुछ तारीफ करता है, लेकिन ऐसा गाना क्यों ला देते हैं मार्केट में? अभी बहुत बढ़िया गाना था चंद के टू कॉफी बढ़ू। हाँ, 4,000 भी हो गया 6 महीने में। 4,000 भी हो गया 6 महीने में। अच्छा, बढ़िया गाना आपका नहीं सुनता है इसीलिए आप ऐसा गाना लिखते हैं? नहीं, जैसा डिमांड करेगा लोग हम करेंगे, हमारा काम है। जहाँ एक ही दवा, एक ही दुकान पे दही भी मिलता है, एक ही दुकान पे चीनी भी मिलता है, आलू भी मिलता है, प्याज भी मिलता है, सब कुछ एक दुकान पे मिलता है, जो डिमांड करिएगा हम देंगे। अच्छा, मतलब सब गाना लिखिएगा एकदम बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, जो शब्द होता है अश्लील गाना, ये गाना आप अपने घर में भी बजाते हैं? सब लोग सुनता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं सुनता होगा। आपका गाना सब लोग सुनता है? हर इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सब लोग सुनता है। कोई सामने बजा के सुनता है, कोई पर्दा में सुनता है, कोई ईयरफोन लगा कर सुनता है, लेकिन सुनता सब है। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि भाई जो हम गाना लिखते हैं वो सब लोग सुनता है, भले कोई पर्दा में सुनता है तो कोई बाहर सुनता है। अच्छा ये बताइए, इस तरह बजेगा तो आप मतलब कान थोड़ी बंद कर लीजिएगा? नहीं बंद कर सकते, लेकिन समाज को तो गंदा कर देगा। समाज को कोई गंदा नहीं होता है, गाना कभी गंदा नहीं होता है, सोच गंदा होता है लोगों का। देखिए, इनका कहने का मतलब है गाना ये गंदा नहीं है, गाना बहुत बढ़िया है, साइज बढ़ाने वाला है, सोच गंदा है। आप लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोग का सोच गंदा है, सही बात है ना? सबका अगर ये पब्लिक है, पब्लिक को अगर लगेगा कि गाना गंदा है तो नहीं बजाएंगे लोग। अच्छा, जब गाना चटना का मेरी भी बोलते थे लोग कि गंदा है और बजा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, अब ये बजने लगेगा तो इसके ऊपर लगेंगे लोग कहे कि गंदा है। कोई राम को पूजने वाला है, कोई कृष्ण को पूजने वाला है, कोई मतलब तरह तरह के लोग हैं, सबका सोच तो नहीं बदल सकते। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गाना तो आप लिख रहे हैं, कब से आप गाना लिख रहे हैं बताइए? बहुत दिन हो गया, याद नहीं है। बहुत दिन से गाना लिखते हैं? कितना गाना अभी तक आप लिख चुके हैं? 3,000 लगभग होगा। 3,000 अश्लील गाना लिख चुके हैं? अश्लील गाना कैसे है? अश्लील कैसे मतलब 100 गाना अश्लील थोड़ी होता है। 3,000 अश्लील गाना लिख के? 3,000 गाना लिखे हैं, 3,000 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन अश्लील आप बोल रहे हैं कि अश्लील 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 कुछ नहीं होता है। अश्लील होता तो लोग बजने नहीं देता, चाहे बजाता नहीं। मतलब अश्लील होता तो इनका कहने का मतलब लोग बजाता नहीं। अच्छा, शिव कुमार बिक्कू जी का आवाज है आपके गाने में, ठीक है? कोई बढ़िया गाना बताइए जो आपका गाना बजा हो। कोई गाना बढ़िया नहीं बजा है। कोई गाने बढ़िया नहीं बजा है?
देखिए भोजपुरी में एक मात्र पहले सूती का सलवार ही था, अंतरा सिंह प्रियंका जी का ये सब बजा है, थोड़ा बहुत टुनटुन भाई का कुछ गाने बजे हैं रंगदारी वाला, लेकिन जो एकदम जो चाहिए कि एकदम बढ़िया सैड सॉन्ग ये सब आलम भाई का बजा है को बज रहा है अभी, लेकिन जो चाहिए उस तरह का नहीं बजता है। देखिए मतलब इनका बढ़िया गाना नहीं बजा है इसलिए इस तरह का ये गाना लिखते हैं, इनकी भी मजबूरी है जो ये गाना लिखते हैं इस तरीके का। अच्छा अभी कौन सा गाना आ रहा है इसके बाद? अभी आज ही रिलीज हुआ पटना के पांच कट्ठा टुनटुन यादव भाई का। पटना के पांच कट्ठा मतलब रंगदारी भी लिखने लगे ना? रंगदारी तो शुरू से लिखते हैं, रंगदारी शुरू से लिखते हैं, क्या बात। स्पेशली इस गाने को लेके पब्लिक को मैं यही कहूंगा कि भाई ये गाना जो है बहुत अश्लील है। पूरा नहीं सुनिएगा समझ में नहीं आएगा, और अश्लील ये बोल रहे हैं आप लोग सुन के आप खुद डिसाइड करिएगा कि अश्लील है कि साफ सुथरा है। दोस्तों आप लोग सुनिए, चलिए मैं नहीं बोलूंगा, अब ये है अब राइटर है लिख देते हैं, मैं अब इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यही बोलूंगा दोस्तों आप जाइए एक बार इस गाना को सुन के बताइए कि गाना अश्लील है। ये कह रहे हैं अश्लील नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये गाना अश्लील है। ये गाना लक्ष्मी म्यूजिक वर्ल्ड से, बताइए इतना बढ़िया चैनल है लक्ष्मी म्यूजिक वर्ल्ड, इससे ऐसा ऐसा गाना क्यों लिख देते हैं? डिमांड है सर, डिमांड पूरा करना हमारा काम है। इनका कहने का मतलब है डिमांड है वो हम पूरा कर रहे हैं, वो चैनल है लक्ष्मी म्यूजिक वर्ल्ड जिससे ये गाना रिलीज हुआ है, अगला साल गाने का कुछ है, लेकिन अब सुन के बताइए कि ये गाना क्या है, अश्लील है कि साफ सुथरा है। तब तक हमारे साथ थे पीके आर्यन जी, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर।